ओ हेलो एवरीवन, और सबको नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो जो है वो मैं स्पेशल एक फिटनेस के बारे में बताऊं सोच रहा था आप लोगों को। और जो मैंने एक वर्कआउट का एक शेड्यूल मतलब दिखाया है आपको, वीडियो बनाया है, बहुत सिंपल सा है, ओल्ड स्कूल के जमाने का, कुछ एडवांस बना हुआ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और इस वर्कआउट में आपको चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट आपको दिखाई देगा। और जो एडवांस जो बिगिनर है वो उसको आप मतलब वेट कम करके रेपिटेशन 15-20 मार के और एकदम पोस्चर सही पोस्चर में आप खेलिए और रेस्ट अच्छे से लिए, 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट करके अच्छे से खेलिए। और जो हमारे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस वर्कआउट को आप रेपिटेशन आप 12, 15, 20 मार सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक मार सकते हो, जिसमें आपका मसल फेलियर तक हो जाए। और इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आप रेस्ट कम करके खेलिए, 40 to 50 सेकंड रेस्ट करिए और इसको एक मसल माइंड कॉन्ट्रेक्शन से है ना फील करके खेलिए, फिर आपको बहुत एक इफेक्ट लगेगा। और अगर आपको वर्कआउट के बारे में कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें मैं आपको फोन नंबर और सारे इंस्टाग्राम अगर कोई भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का कुछ सोच रहे हो तो आप मेरे आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई हमारे यहाँ एरिया में रहने वाले हैं तो आप पर्सनल ट्रेनर कोई भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 अपने भाई को सपोर्ट करिए प्लीज। आप लोगों का साथ मिला तो मैं आप नए से नया एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आप सबको जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और यूं ही भाई को सपोर्ट करिए। ये देखिए भाई का, फिर मिलते हैं और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। हमारा जो पहला वर्कआउट है वो पेट डेड फ्लाई है और इसके सेट लगाने हैं 4 सेट। और रेपिटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, एडवांस लेवल है वो फेलियर तक करिए रेस्ट कम करके, और जो बिगिनर है वो रेस्ट ज़्यादा रखिए और हल्का वेट करके ऐसा खेलिए। और खेलना कैसा है मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह से देखिए, पीछे स्लो जाना है और आगे जल्दी से खींच के और चेस्ट को बिल्कुल स्क्वीज करना है, स्क्वीज करके फील करो, ठीक है ना। वीडियो में कैसा आपको दिखा रहा हूँ और ऐसा पोस्चर ऐसे खेलना है। और आप खेलने के बाद है ना और मसल को चेस्ट को बिल्कुल स्क्वीज करके है ना, ऐसा करने से आपको पम्प बहुत अच्छा मिलेगा। और हमारा जो अगला वर्कआउट है वो मशीन में केबल में इंक्लाइन फ्लाई, अगर इसमें आपको पोस्चर अच्छा रहेगा क्योंकि डंबल में हिलने का चांस ज़्यादा है। अगर कोई डंबल से खेलना है तो डंबल से भी खेल सकते हैं, अगर मशीन से केबल, मेरे ख्याल से केबल से खेलने से बहुत अच्छा है। खेलना कैसा है, नीचे स्लो डाउन ऊपर जल्दी खींच के बिल्कुल चेस्ट को एकदम स्क्वीज करके, और रेपिटेशन वही है 4 सेट और 15 to 20 रेपिटेशन और रेस्ट कम करके और ऐसे खेलना है, और खेलने के बाद मसल स्क्वीज करके। और हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है वो चेस्ट फ्लाई है, डिक्लाइन चेस्ट फ्लाई, और नीचे स्लो डाउन ऊपर जल्दी खींच के और चेस्ट को ज़रूर स्क्वीज करिए और आर्च बना के रखिए, कमर का आर्च बना के चेस्ट को उठा के, और उठाते टाइम एकदम स्क्वीज बिल्कुल टाइट करना है फील करके। मैंने अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे खेलना है इसको, है ना। और रेपिटेशन वही बताया था मैंने आपको, एडवांस लेवल फेलियर तक करिए
और रेस्ट कम करके, और जो बिगिनर है वो रेस्ट ज़्यादा रखिए और हल्का वेट उठाइए। और खेलने के बाद स्क्वीज़ करना बहुत ज़रूरी है, हर सेट में आपको स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करेगा तो पम्प अच्छा हुआ, देखिए मेरा चेस्ट कितना पम्प हो गया है। और जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन बारबेल प्रेस, ये वर्कआउट बहुत अच्छा है आपका अपर चेस्ट के लिए। और इसको खेलना कैसा है मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और सेट भी खेलने इसके 4 सेट, और एकदम एडवांस लोग फेलियर तो जाइए, और पीछे आप ज़रूर सपोर्टर रखें, रेपिटेशन वही 15-20 रेपिटेशन फेलियर तक। और खेलने के बाद स्क्वीज़ करिए बिल्कुल अच्छी तरह से। और हमारा जो अगला वर्कआउट पांचवा एक्सरसाइज है वो बारबेल बेंच प्रेस फ्लैट, और इसके भी आप आर्च बना के रखिए, और जब आप ऊपर उठाते हो लिफ्ट करते हो फिर चेस्ट को एकदम स्क्वीज़ करिए, आर्च बनाइए, और रेपिटेशन वही है 15-20 एडवांस लेवल, रेस्ट कम करके। और जो बिगिनर है वो रेस्ट ज़्यादा रखिए और वेट कम करिए। और हमारा जो छठा एक्सरसाइज है सिक्स एक्सरसाइज डिक्लाइन बारबेल प्रेस, अगर आप डिक्लाइन बारबेल से भी खेल सकते हो और डंबल से भी खेल सकते हो आप इसको, है ना, अपना चॉइस है। और कैसे खेलना है आप वीडियो में देखिए, और आर्च ज़रूर बनाए, और ऊपर उठाते टाइम है ना चेस्ट को स्क्वीज़ करें, स्क्वीज़ और फील करके खेलिए। और इसके बाद हमारा ट्राइसेप वर्कआउट है, ट्राइसेप में सबसे पहले पुली पुश डाउन रोड, और इसके भी आप सेट 4 सेट खेलने हैं, रेपिटेशन वही फेलियर तक, और वेट थोड़ा रखिए, और हर सेट में वेट बढ़ाना है आपको, और ज़्यादा उठाए नहीं, और एकदम स्क्वीज़ करके बिल्कुल जैसे मैंने वीडियो में दिखाया वैसे खेलने हैं। और इसके बाद है रोप पुश डाउन, वो भी ट्राइसेप के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, और वीडियो में अच्छे से देखिए कि मैंने कैसे खेला है, वैसे ही खेलना है आपको, स्लो डाउन, जल्दीबाजी में नहीं खेलें, स्लो से, है ना। और रेपिटेशन 15-20 रेपिटेशन एकदम फेलियर तक खेलिए, मसल को एकदम फील करके, है ना, वैसे खेलना है। और हमारा जो इसके बाद है डायमंड पुशअप है, ये बहुत ही एक्सरसाइज है इसके बाद, है ना। डायमंड पुशअप आप बिगिनर लोग तो पांच रेपिटेशन करके भी खेल सकते, अगर कोई अगर बिगिनर वैसे भी खेलना बहुत मुश्किल है, एडवांस लोग अगर इसके, है ना, रेपिटेशन 60-80 रेपिटेशन मारने हैं रेस्ट करते करते, ऐसे खेलना है जो मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, है ना। और डायमंड पुशअप खेलने के बाद 60-80 रेपिटेशन खेलना है रेस्ट करते करते, और इसके बाद खेलना है पुशअप खेलना है, पुशअप भी आप, है ना, 50-60 रेप 50-60 रेपिटेशन खेलना है रेस्ट करते करते, रेस्ट बिल्कुल कम करके, और ऐसा खेलना है। इसके बाद आप देखना पम्प कितना अच्छे से पम्प होगा।